हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से, ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने जो एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है, साथ में नृत्य अलंकार यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कथक में है, इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर है, और बहुत बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। यू बैठकर जमीन पर आसमान क्यों देखता है, अरे खोल पंखों को, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। शासन के पाप और नीति भरे राज में लिखूंगी महाभारत नया। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में बहुत कुछ। रूपाली जी आपका स्वागत है। रूपाली जी आप इतने सारे फिल्म्स में काम कर रही हैं और लगभग हर फील्ड में आप एक्सेल करती हैं, तो इतनी सारी फिल्म्स को कैसे बैलेंस कर पाते हैं इंडिविजुअल होते हुए? रचना, सबसे पहले तो सरल बात में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, और दर्शकों से मेरी पहचान हो रही है अलग तरीके से, बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि हर फील्ड में एक्सेल कर लेती हो, कैसे कर लेती हो? मेरा एक ही जवाब है, योग कर्मसु कौशलम, का मतलब है कि हर चीज जो भी आप जिंदगी में करो उसे यज्ञ समझना। चाहे फिर आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, नृत्य कर रहे हो, या फिर सोशल सर्विस ही कर रहे हो, हर चीज जो आप कर रहे हो उसमें आप एक यज्ञ, और यज्ञ में आहुति देना बहुत जरूरी है, यानी पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, पूरे पैशन से उसे निभाना बहुत जरूरी है, तभी मिलता है एक्सेलेंस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छा बोला आपने। रूपाली जी, जैसे आप एक महिला हैं और आप इतने सारे फील्ड्स में इतने अच्छे से काम कर रही हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी गृहणियाँ होती हैं जो या तो भाषा ना आने की वजह से, या तो इंग्लिश ना आने की वजह से, या फिर उनको लगता है कि वो अपने आप को उस तरह से कैरी नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से उनके सर्कल में दूसरी लेडीज अपने आप को कैरी कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं ऐसी महिलाओं के लिए जो किसी ना किसी कारण से अच्छा हुनर रखते हुए भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाती हैं, डरती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी पर्सनालिटी में कैसे अपने आप को प्रूव करें? आपके सवाल का जवाब एक गाने से देते हैं, आपने ये गाना सुना ही होगा और आपने भी, लानत है जी उस पर दुनिया में ही रहकर, दुनिया में जो जीने के अंदाज को न जाने, बातें यहाँ तोहफे चांद या तारों के, किस्मत को ढूंढे है खुद में क्या है वो न जाने। तो ये रंगीला का सॉन्ग था, और ये सॉन्ग जितना पिक्चराइज अच्छा हुआ है उतने लिरिक्स भी इसके अच्छे हैं। इसमें कहने की बात ये कहने की कोशिश हो रही है कि अपने अंदर बहुत कुछ हुनर भगवान ने दिया है, लेकिन पीपल लैक कॉन्फिडेंस। इट इज सेड दैट इफ यू वेयर कॉन्फिडेंस यू नीड नथिंग। यस, ये कॉन्फिडेंस की कमी होगी। जैसे आपने राइटफुली कहा है कि कुछ महिलाएं हैं इंग्लिश नहीं आती इसीलिए यू नो दे फील इंफीरियर, लेकिन मेरा कहना है कि जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब है वो किसी और लैंग्वेज में माहिर है। सो उस व्यक्ति ने उस माहिरी की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि जो मेरे पास नहीं है जी। तो बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि बॉडी शेमिंग, मैं मोटी हूं, मैं नाटी हूं, मैं बहुत ज्यादा ऊंची हूं, मैं काली हूं, मैं बहुत ज्यादा गोरी हूं। लोग टैनिंग कर रहे हैं आजकल थोड़ा गोरापन कम करने के लिए, तो बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिल जाते हैं जो किसी न किसी कारण अपनी खामियों की ओर ध्यान देते हैं। तो मेरा कहना है कि अपनी खामियों पर नहीं बल्कि अपनी खूबियों पर ध्यान दो, क्या है हमारे पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है, बस हीरा भी पत्थर होता है, उसे तराशने की जरूरत होती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मेरे ख्याल से ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सब में उलझे रहने से अच्छा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ।
मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से। सीढ़ियां उनको मुबारक जो छत पर जाना चाहते हैं, मुझे तो जाना है आसमान पर और मैंने अपना रास्ता खुद बनाना है। तो अगर ये बात अगर हमारा महिला वर्ग समझती है तो काफी कुछ अचीव हो सकता है। हाँ, इस पे आपने इतना अच्छा बोला, इस पे मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं, मैं वो कहना चाहूंगी। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य आते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये आपने बहुत सही कहा कि आप अपनी खूबियों को पहचानिए। तो आप बहू है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है, इसके अलावा इतनी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, आप इतने सारे एनजीओ से जुड़ी हैं और इतनी कार्यरत हैं। तो ये जानना चाहूंगी इनमें से आपको कौन सी रोल सबसे बेस्ट लगता है। बहुत अच्छा सवाल किया रचना आपने। वैसे मैं ही नहीं, लेकिन हर औरत, एवरी वुमन परफॉर्म्स ऑल दीज रोल्स। शी इज अ डॉटर, शी इज अ वाइफ, शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर इन लॉ, शी इज अ प्रोफेशनलिस्ट, शी ऑल्सो वर्क्स इन द सोशल सर्कल्स, शी गोज इन द सोसाइटी आउट। हर वो औरत मेरी तरह ही है, लेकिन यू हैव आस्क्ड मी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, कौन सा रोल आपको अच्छा लगता है। तो आई लव द बेस्ट रोल एंड दैट इज द रोल ऑफ मदर। एंड जब मैं माँ बनी उसके बाद एक्चुअली मैं मैच्योर हुई। लविंग, केयरिंग एंड शेयरिंग, ये सभी अच्छे पॉजिटिव वर्च्यूज औरत में आ जाते हैं जब वो माँ बनती है। तो मदर इज द रोल विच आई लव द बेस्ट। रूपाली जी, हमारे यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर। हमारा यूथ जो है रैट रेस में है, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ, मैं क्या करूं, और फिर जो सब लोग करते हैं क्या मैं वो करूं, कुछ हटके करूं, क्या करूं मैं। तो इतने सारे सवालों से आज का ये जो युवक है वो घिरा हुआ है। मैं बताना चाहती हूँ हर इस तरुण पीढ़ी को कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो सिर्फ एक आइस फैक्ट्री है। बच्चे जो है वो एक बहता पानी है। इस बहते पानी को मोल्ड देकर आइस बनाया जाता है, लेकिन बाजार में बर्फ बिकता नहीं है। अगर आप गोले वाले के पास जाओ आइसक्रीम कैंडी गोला खाने के लिए, तो क्या आप मांगोगे मुझे बर्फ देना? नहीं ना। हम मांगते हैं मुझे काला खट्टा दीजिए, मुझे स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज दीजिए। अब जो मार्केट में क्या बिकता है, पिज्जा बेस नहीं बिकता, पिज्जा टॉपिंग्स बिकते हैं। तो इससे मेरा एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो आइस फैक्ट्री है उसमें एक स्किल सेट होना बहुत जरूरी है। Unless and until you have one skill set, a solid one, you are definitely going to be marketed. तुम्हारी रोटी यहाँ सिकनी है। अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर है, कोई स्किल सेट है, तो अपने आप को पहचानो कि मुझमें और ऐसा कौन सा हुनर है, और कौन से हुनर के साथ मैं एजुकेशनल सिस्टम का ये जो बर्फ है, आइस फैक्ट्री है, उसे कौन सा फ्लेवर दूँ। So, अपने अंदर ही है, झांको, ढूंढो और निखर के आ जाओ। बहुत अच्छा बोला आपने रूपाली जी, मतलब इतना अच्छा मैसेज दिया है। जैसे कि खूबसूरती जो है वो हमारे दिल में और जमीन में होती है, हम उसे बाहर ना ढूंढे, खुद के अंदर ढूंढे। बहुत अच्छा कहा, और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा और बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है। स्पेशली वो महिलाएं जिनके लिए खास तौर पे हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है, जो घर में रहती हैं, जो किसी ना किसी प्रकार से इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हैं, उनको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने अंदर झांकिए। हमारा आज का मैसेज जो रूपाली जी ने दिया है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाएं। आप ज़रूर अपने अंदर कोई ना कोई हुनर ढूंढ पाएंगी और उस पर ही काम करिए। रूपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एंड मैं सभी दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस
इसी तरीके से नई नई इंफॉर्मेशन और नए नए टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं, नमस्ते।